अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और चुनाव में टिकट वितरण से लेकर रणनीति तैयार करने जैसे सभी मामले में संघ हस्तक्षेप कर रहा है। बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए संघ का जोर मत प्रतिशत बढ़ाने और 60% सीटों पर प्रतिद्वंदियों पर बढ़त हासिल करने पर है। इसके लिए आरएसएस ने भाजपा हाईकमान को 70% सीटों पर नए चेहरे को मौका देने का सुझाव दिया है। संघ के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा में यह पाया गया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अंदरूनी कलह, अति आत्मविश्वास और बेहतर तालमेल की कमी की वजह से पार्टी आधे से ज्यादा बूथों पर प्रतिद्वंद्वियों से पीछे रह गई थी। जिन बूथों पर पार्टी के उम्मीदवार पीछे रह गए वहां लचर प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की उदासीनता सबसे बड़ी वजह रही। संघ के सह कार्यवाह और बीजेपी के संघ के समन्वय का जिम्मा संभालने वाले अरुण कुमार हरियाणा के प्रांत प्रचारक रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इस चुनाव में उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहती है। उन्होंने फरीदाबाद में हुई अहम बैठक में सक्रिय भागीदारी की और संघ ने बीजेपी को ये सुझाव दिया है कि वो सभी वरिष्ठ नेताओं को टिकट दे और कम से कम 70% सीटों पर तो नए चेहरों को इस बार मौका दे। इसके लिए संघ ने सभी 90 सीटों पर अपनी ओर से उम्मीदवारों का एक पैनल भी तैयार किया है। खबरों के मुताबिक संघ ने ये तय किया है कि सभी बूथों पर बीजेपी के साथ संघ के कार्यकर्ता भी सक्रिय होंगे। मतदान से पहले हर हाल में एक एक परिवार से संपर्क साधा जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी 19,812 बूथों में से 10,072 बूथों पर पीछे रह गई। योजना 11,000 बूथों पर बढ़त हासिल करने की है और इसके लिए एक संपर्क अभियान में संघ के सभी अनुषांगिक संगठन हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों फरीदाबाद में बीजेपी और आरएसएस के बीच 2 दिवसीय बैठक हुई थी और इस बैठक में आरएसएस ने बीजेपी नेताओं से कहा है कि पिछले 10 साल की सत्ता होने से सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और इसे खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। आरएसएस का तो सुझाव ये भी है कि 70% नए लोगों को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। यदि बीजेपी आरएसएस का सुझाव मानती है तो मौजूदा कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। हालांकि पिछली बार भी बीजेपी ने कई विधायकों के टिकट काट दिए थे और इसके साथ आरएसएस ने यह भी कहा है कि टिकट देते वक्त किसी तरह आपस में बिखराव नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने बूथ मैनेजमेंट को और ज्यादा सक्रिय करने पर बल दिया है। संघ का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर के पदाधिकारी समझते रहे कि मोदी के नाम पर सब लोग वोट डालने आएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हर बूथ पर फोकस करना जरूरी है। आरएसएस के प्लान पर काम करते हुए बीजेपी रविवार को सभी बूथों पर कार्यालय खोलेगी और लोगों से संपर्क साधेगी। वहीं आरएसएस ने इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनके कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी भी रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जा सके। अब आपको बता दें कि हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है जिसमें कुछ निर्दलियों का समर्थन भी शामिल है। हरियाणा में 2019 में सत्ताधारी भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी और उसे 40 सीटों पर जीत मिली। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटों पर जीत जरूरी थी और चुनाव के बाद 10 सीटों वाली जेजेपी के साथ पार्टी ने गठबंधन किया और राज्य की सत्ता में वापसी की। वही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जेजेपी के साथ लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई और उसने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।